अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद से खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप RC22 का स्कोर कार्ड जो है वो चेंज या एडिट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। तो उसके लिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। देन आपको जो आपके गेम प्ले है उसको कर लेनी है सिलेक्ट, ठीक है। अब जिस पार्ट पे आप बनाना चाहते हैं तो आप इसको स्प्लिट करके सिंपली इसको रख देना। तो सिंपली मैं ये 6 वाली जो है वो रख देता हूँ, ठीक है। बाकी जो फालतू पार्ट है आप उसको काट देना। सिंपली इसको स्प्लिट करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको जूम कर देना है, ठीक है। इसको इस तरह से जूम करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके जिस हाइलाइट्स पर आप बनाना चाहते हैं इसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिख जाएगा क्रॉपिंग का, सिंपली आपको करना है इस पर क्लिक। देन स्कोर कार्ड के अलावा जितना भी पार्ट है आपको इसको क्रॉप कर देना है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से क्रॉप कर देना है। एक दफ़ा आप जूम करके भी देख लेना कि अगर कोई पार्ट बाकी है तो इसको भी आप क्रॉप कर देना, ताकि आपकी वीडियो अच्छी बने। आपको सिंपली इसको इसका साइज़ जो छोटा करके इस तरह से इसको लगा देना है। तो ठीक है, यहाँ पर स्कोर कार्ड एडजस्ट करने के बाद आप इसको एक दफ़ा चेक कर लेना प्ले करके, अगर कोई मिस्टेक हो तो उसको भी सही कर लेना। ये करने के बाद आपको अगर लोगो वगैरह लगाना हो तो वो भी मैं आपको इसके बाद बता दूंगा। वीडियो को लास्ट में एंड तक देखना, और चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद आपको दोबारा मीडिया पे आना है, और क्रोम पर आपको पहले स्टार स्पॉट जो है उनका एक लोगो PNG में डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना, जिससे आपकी वीडियो फुल रियल लगेगी, ठीक है। उसके बाद इसको एंड तक कर देना लेयर को, ठीक है। चाहे तो आप लगा देना, चाहे तो कुछ भी आप लगा सकते हैं, PTV या 10 स्पॉट वगैरह। देन आपको एक और लोगो डाउनलोड कर लेना है, इमेज T20 वर्ल्ड कप का, और इसको इस तरह से साइड पे लगा देना है। तो यहाँ पर गाइस हमारी वीडियो हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। अगर आप और भी मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। सिंपली जो हमारी वीडियो बन जाने के बाद आपको इसको कर लेना है एक्सपोर्ट। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को नए तो सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।